हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्री गार्डनर। चलिए आज हम इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं। आप सभी के घर के अंदर डिस्पोजल ग्लास तो मिलते हैं, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और सीडलिंग ट्रे कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम सीख लेंगे। इस सीडलिंग ट्रे से हम कैसा पौधे बना सकते हैं, सीड से पौधे, और हमको नर्सरी को जाना ही ना पड़े। चलिए इस वीडियो से हम थोड़ा जानकारी देते हैं आप लोगों को। चलिए, पहला स्टेप, आप ग्लास लेना चाहिए और एक सोल्डरिंग गन जो भी मार्केट में अवेलेबल मिलता है उसमें सॉकेट में लगाइए और थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। और ग्लास कौन सा भी आपके घर के अंदर जो भी वेस्टेज है वो आप ले सकते हैं, प्लास्टिक के। जो भी आपका सॉइल मिक्सचर है वो ग्लास के अंदर भरो। पूरे ग्लास में भर के रख लो। चलो अब सीड सो करते हैं इसके अंदर। मैं ये तुरई की बीज है, मतलब इंग्लिश में रिजिट गार्ड बोल के बोलते हैं। तुरई हम आराम से ग्रो कर सकते हैं विंटर सीजन के अंदर। स्टार्टिंग में हम लोग इसके पौधे बना ले सकते हैं, अभी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। सीडलिंग ट्रे में एक इंच आप गड्ढे बना के उसके अंदर सो कर दो और थोड़ा पानी स्प्रे कर दो, उसके ऊपर मॉइस्चर कंटेंट बना
बना के रख लेना चाहिए। ज़्यादा पानी मत डालो क्योंकि वो सब कोको पे थोड़ा मॉइस्चर पकड़ के रखता है, तो आपके सीड जर्मिनेशन को आराम से ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। ये देखिए 27 डेट यानी 5 डेज के बाद थोड़ा स्लो ग्रोथ है, जर्मिनेशन हो गया है, ये वाइट कलर जो भी दिख रहा है आपको। और 28 डेट के दिन देखो, रूट्स भी निकल रहा है उसके नीचे से। ये 2 दिन के बाद देखो पूरा सीड जर्मिनेट होके ऊपर आया है। इसमें एक ही अच्छा है, बाकी की अभी ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। मॉइस्चर तो बना के रखना ही चाहिए, ज़्यादा पानी भी मत डालो वरना सड़ जाएगा। और ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है, पूरे सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट होके पूरा अच्छे से हो गए हैं। ये भी छोटा है और रूट्स देखो कितना अच्छा है फैला हुआ है।